नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 5 बज गए हैं, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ IBPS FO मेंस के लाइव क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रोज़ाना 5 बजे, शाम के 5 बजे जैसे ही बजते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाता हूँ IBPS FO मेंस की क्लास। तो दोस्तों कल मैंने बात की थी, मॉडल पेपर था जो कि IBPS AFO पे बेस्ड था, जिसमें कि मैंने 20 क्वेश्चंस पे कल डिस्कशन किया था। लगभग आज भी मैं 20 क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाला हूँ। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इसमें सेलेक्ट किया है, अच्छे अच्छे जो है उनको जो है कलेक्शन किया गया है, उनको अच्छे से तरीके से और उन्हीं क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया जो आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जल्दी से इस वीडियो से जुड़ जाएँ और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी जल्दी से इस वीडियो से जुड़ जाएँ। तो आप सभी लोग जैसे ही जुड़े मैसेज करें, और आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन यानी कि पहली स्लाइड जो है आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन फर्स्ट जो है, द टर्म बैक्टीरियोफेज वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, टीवॉट एंड हेरले, लुइस पाश्चर या लिस्टर। किसके द्वारा ये इस टर्म का यूज़ किया गया था, किसने प्रतिपादन किया, आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन 4 में से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो ऑप्शन जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा और उसे जब वीडियो के लास्ट में आप देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया और कितने आपके गलत हुए, जिससे कि आप जो है अपने आप को एनालिसिस कर सकेंगे कि हाँ आपको अभी कितनी और भी ज़रूरत है तैयारी करने की, कितना हार्ड वर्क की। तो आप जो है सभी को नोट डाउन करते रहिएगा, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा यहाँ पर, और लगभग 20 क्वेश्चन, कम से कम 20 क्वेश्चन पे तो डिस्कशन होना ही होना है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन जो है, आइए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन सेकेंड जो होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा टीवर्ड एंड हेरले इज़ अ राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा डिसीज इज राइस इन राइस इज कॉज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान और जिंक। 4 ऑप्शन है। तो खैरा जो रोग होता है पैडी में, धान में, वो किसकी कमी से हो जाता है, आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान या जिंक, तो किसकी कमी से हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ इज़ अ राइट आंसर, जिंक। जिंक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीनस फाइटोफथोरा बिलोंग्स टू ऑर्डर, 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस कौन सा यहाँ पे सही होगा आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना होगा। टेफ्रिनेल्स या फिर पेरोनोस पेरोल्स या फिर पाइथियल्स या यूरे डिनेल्स, यूरे डाइनेल्स, कौन से इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, उसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन थर्ड इज अ राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टैग हेड इज फॉर्म्ड इन विच डिसीज, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, स्मट ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, रेड रूट ऑफ शुगर केन। तो यहाँ पर स्टैग हेड जो होता है किस कौन सी डिसीज में फॉर्म्ड होता है यानी कि बनता है, आपको यहाँ पे बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे फास्ट आंसर कौन करेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है और आपको जो है सबसे तेज आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का करना होगा। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है सबसे फास्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट आंसर, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड में जो है इस डिसीज को पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफेलेंकोइड्स
पैसिए इन्फेक्टिंग राइस वॉज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड इन इंडिया फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कौन से स्टेट्स में इसे डिस्क्राइब किया गया सबसे पहले। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5th का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन 4th, मध्य प्रदेश इज़ अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हैव इट 1985 फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश दैट ग्रैप वाइन फैन लीफ वायरस इज ट्रांसमिटेड, लॉन्गिडोरस लॉन्गेट्स या फिर ट्राइकोडोरस माइनर सिफिनेमा इंडेक्स या फिर पैरालोंगिडोरस नेनस। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा। और आप इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं इस वीडियो से जल्दी से जुड़ जाएं। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन 3rd जो है इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन 3rd इज अ राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लाइफ साइकिल ऑफ सीड गॉल नेमाटोड वॉज इलुसाइटेड बाई रॉफ्रेडी डेन ग्रीफ थॉर्न। तो किसके द्वारा हुआ यहाँ पर ये बताना है, लाइफ साइकिल का नेमेटोड्स वाज इलुसाइटेड बाय किसके द्वारा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन 2nd इज अ राइट आंसर, वैन इज अ राइट आंसर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर, नेमाटोड्स लिप शोज क्या होगा, अ सिमेट्री, हेक्सा रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री या ट्राई रेडियल सिमेट्री। तो कौन सा यहाँ पे हो सकता है आप कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा। जल्दी से आप जो है कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है आपका, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो है यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन 2nd, हेक्सा रेडियल सिमेट्री। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीडिंग साइड नर्व सेल्स आर फॉर्म्ड बाय टाइलेंकुलस सेमी पेंट्रेंस या फिर रेडोफोलस सिमिलिस या रोटेलेंकस रेनिफोर्मिस या हेट्रोडेरा एवेने। तो यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, तो इसमें से जो सही आंसर है उसे ही आपको जो है मार्क करना है यहाँ पर और कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन 1st यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन 1st। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेथेरिगोना सोकेटा रॉन्डेनी इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ कॉटन ग्राउंडनट सॉगम सोयाबीन। तो यहाँ चार कमोडिटीज क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं, तो ये जो सीरियस पेस्ट है कौन सी क्रॉप में होता है यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि इन चार में से कौन सा जो है इसका सही आंसर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3rd इज अ राइट आंसर, सॉर्गम इज अ राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज नॉट ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस, लेपिडॉप्टेरा या फिर थाई सेनोरा या थाई सेनोपेट्रा या फिर कोलियोपेट्रॉन। तो इसमें से कौन सा जो है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर से जो है करेक्ट नहीं है आपको, यानी कि इम्पोर्टेंस नहीं उसकी है, तो वही बताना है इन चार में से। तो आइए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यहां पर क्या हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2nd इज़ अ राइट आंसर, थाई शिनोरा इज़ अ राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट वॉज लियोनेल डी नाइसवेली विले हेमसिंग प्रोथी या फिर रामाकृष्णन अय्यर या हेरोल्ड मैक्सवेल लेफ्रोय। तो क्या होगा उनका आपको यहाँ पे जो इंडियन के फर्स्ट
एंटोमोलॉजिस्ट है उनका नाम बताना है। यहाँ पे चार जो है साइंटिस्ट के एंटोमोलॉजिस्ट के नाम दिए हुए हैं, इन चार में से कौन से थे उनका नाम बताना है जो कि एक इंडियन थे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, लियोनेल डी नाइसविले जो है फर्स्ट इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट थे। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट इन हाउस फ्लाई, बग, बटरफ्लाई, हनी बी। तो इसका क्या होगा सही आंसर, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, बटरफ्लाई इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड इज अ राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लेपिडोप्टेरस लार्वा इज नोन एज निम्फ, मैगोट, ग्रब, कैटरपिलर। तो क्या जाना जाता है इस लार्वा को हम क्या कहते हैं यहाँ पर बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार में से आपको सेलेक्ट करना है कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, उस लार्वा को क्या कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन फोर्थ इज अ राइट आंसर, कैटरपिलर इज अ राइट आंसर। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासी स्टंट वायरस डिसीज ऑफ पैडी इज ट्रांसमिटेड बाई नाइला पार्वटा, लुगेन लुजेंस, या फिर थ्रिप्स टैबैक्सी, या फिर पोरिजा इंसर्टू टूलश, या फिर बेसेसियस बेमे बीमेसिय टैबैक्सी। तो यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर, चार ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगोमोइस ग्रेन मॉथ बिलोंग्स टू जेली जेली कैड, या फिर कर्कुलियोन लियोनाइड, या डायमेस्टिडे, या फिर टैनी ब्रायोनाइडे। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो इस देख लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का, तो वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बैसिलस थ्रोनियोजेनेसिस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम डिसीज्ड लार्वे ऑफ इफेस्टिया कुनियला बाई डी बैक 1958, बर्लाइनर 1915, फ्लेचर 1917, ईस्टन हॉज 1949। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो बर्लाइनर 1915 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फैन वेलरेट इज क्या है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, नाइकोटॉइड्स है, या फिर सिंथेटिक पाइरेथ्रॉयड है, या कार्बामेट है। तो यहाँ क्या है, तो चार ऑप्शन है यहाँ पर, आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन थर्ड इज अ राइट आंसर, सिंथेटिक पाइरेथ्रॉयड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निपलिंग हैज कंट्रोल्ड स्क्रू वॉर्म फ्लाई बाई कैमेस्टेरिलेंट, या फिर मेल स्टाइरल टेक्निक के एंटी फीडेंट मॉल्टिंग हार्मोन। तो किसके द्वारा यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल किया जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका जो है सही आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड, मेल स्टाइरलिन स्टेरिल टेक्निक के द्वारा यहाँ पर इसे कंट्रोल किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर फ्रेंड्स सेकंड। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सीड इज अ सीड यहाँ पर क्या है, इमेच्योर एम्ब्रॉय हो, मेच्योर एम्ब्रॉय, डेवलप्ड एम्ब्रॉय है, या फिर अनडेवलप्ड एम्ब्रॉय। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सेकंड, मेच्योर एम्ब्रॉयड, सीड इज अ मेच्योर एम्ब्रॉयड।
फ्रेंड्स, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप जो है लाइक करके और इसे शेयर करके और ढेर सारे कमेंट करके आप बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है आपको, ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँगा या मैं लाइव क्लास लेकर आऊँगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल शाम को 5 बजे लाइव क्लास लेकर IBPS AFO की। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।